Hi guys. Welcome back to my YouTube channel. Yes. So Aashvi ने मुझे इसमें जेली बना के दिया है and I've already tasted it. It is very good. Yum. Thank you, Aashvi. Okay, so now we are playing घर घर with Aashvi today. See, इसका टेंट है और Aashvi टेंट में अंदर अपना किचन सेट लेके बैठी हुई और साथ में अपना ब्रेकफास्ट भी लेके बैठी है. आज हमने डिसाइड किया कि हम ब्रेकफास्ट टेंट के अंदर करेंगे, उसमें करेंगे, राइट? चलो हम खेल रहे हैं. चलो, नहीं मैं इधर हूँ ना, मैं आटूंगी नहीं. मैं आप अंदर हो, मैं बाहर हूँ, हम यहीं से बात करेंगे. ओके, तो मैंने Aashvi के लिए एक और एक्टिविटी बुक ऑर्डर करी थी तो वो डिलीवर हो गई है. लेट मी जस्ट ओपन इट. बोल ना Aashvi. तो दीज आर बेसिकली वर्क बुक्स हैं और इसमें ग्रुप्ड होते हैं, मतलब ए बी सी डी अल्फाबेट, तो 1 2 3 4 ग्रुप्ड होते हैं और वो इरेजेबल भी होते हैं, मतलब आप लिखोगे और वो ऑटोमेटिकली डिसअपीयर भी हो जाते हैं. आई हैव टू सी, मतलब डिस्क्रिप्शन में तो यही बोल रहा था. एंड इसके साथ में ये पेन है और इसके रिफिल्स भी साथ में इन्होंने दिए हुए हैं. विल सी, ये है मैजिक ग्रू प्रैक्टिस कॉपी बुक फॉर प्री स्कूल मैथ्स. ओके, ये तो ज़्यादा हो गया, ये तो Aashvi किसी काम कर रही है. 1+1 2 ये सब तो Aashvi नहीं करेगी अभी. सो आई कीप इट असाइड. एंड दिस इज मैजिक ग्रू प्रैक्टिस कॉपी बुक फॉर प्री स्कूल. सो दिस इज बेसिकली सेट ऑफ 4 बुक्स. एक अल्फाबेट है, एक नंबर है, एक ड्रॉइंग है और एक मैथ बुक है. तो मैथ बुक इज ऑफ नो यूज एज ऑफ नाउ, तो मैं इसको साइड में रख दूंगी. देन ये नंबर बुक है. वेट वेट वेट, एंड दिस इज एज 3+, बट Aashvi की पेंसिल पकड़ लेती है और वो कर लेगी तो आई नो कि वो कर लेगी. सो ये इसमें जो ये हैं, ये ऑलरेडी ऐसे नंबर इनग्रेव्ड हो रखे हैं और इसी प्रैक्टिस के लिए हैं. इसमें प्रैक्टिस करने के बाद ये जो नंबर्स हैं इसमें, ये डिसअपेयर भी हो जाते हैं, तो इसको मतलब बार बार यूज़ कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये ऑर्डर किया है. सो नंबर्स तो काफ़ी सारे हैं. नाइस. एंड अल्फाबेट्स, ओके अल्फाबेट्स भी हैं. कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये? ई से क्यों स्टार्ट है? नहीं, ए से स्टार्ट हो रहा है. सो कैपिटल स्मॉल लेटर दोनों हैं. Aashvi को स्मॉल लेटर्स तो अभी मैंने बताया ही नहीं है, तो कैपिटल लेटर्स तो उसको मैं करवा दूंगी. विल सी. ओके, एंड ओहो यहाँ पे ये भी है. इतना तो एडवांस नहीं है Aashvi, बट ठीक है. चलो लॉ पेन खोलूँ, रुको. एंड दिस इज ए लास्ट बुक. ये ड्राइंग बुक है, इसमें लाइंस एंड कुछ पैटर्न दिए हुए हैं. सो Aashvi इज गोइंग टू राइट. Aashvi जितना बना है उस पर ही लिखना है बस. हाँ, स्लोली बाय रोगन उदय ना. वेरी गुड. ये डिसअपियर तो नहीं हो रहा है, इसमें बोला है कि जैसे ही लिखेंगे ये पेन से तो ये डिसअपियर हो जाएगा. देखिए यहाँ पे Aashvi ने लिखा था. आई, सो दिस इज व्हाट Aashvi हैव डन. ये Aashvi की पेंटिंग. और Aashvi ये कलर का तुमने क्या किया? अब कर दो फिर से, पूजा कर दो जैसे कर रही थी, सबको दिखा दो. भगवान जी कहाँ है? क्या कर रही हो Aashvi? भगवान जी को मैं टीका लगा रही हूँ. अच्छा, नहीं कलर नहीं लगाना. एक ही टीका है. नो, बाहर नहीं जाओगे आप कलर लेके? नो. नमस्ते, मैं कुछ बाहर जाऊंगी, मैं कुछ टीका लगा के आऊंगी.
सो आशवी इसके बाद लंच करके सो गई थी, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सारे जो पार्ट्स हैं ये आशवी के हाई चेयर के पार्ट्स हैं, ये इसके स्क्रूज़ हैं। एक्चुअली इसकी हाई चेयर काफ़ी टाइम से बहुत गंदी हो रही थी, तो मैंने सुबह से धो के सुखा दिया था, और अभी मैं यहाँ पे वो उसकी हाई चेयर असेंबल करने जा रही हूँ, और मैं आपको भी दिखाती हूँ कि मैं उसे कैसे असेंबल कर रही हूँ। सो दीज आर द स्क्रूज़, ये प्लास्टिक स्क्रूज़ हैं, और ये थोड़े से बड़ा इनका सॉकेट है, तो नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर नहीं चलता, तो मैं इसको हमेशा ये स्पून का जो पीछे वाला पार्ट होता है मैं उससे टाइट करती हूँ, मैं वही यूज़ करती हूँ। सो यहाँ पे मैं इसकी हाई चेयर की टेबल सेट कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे आशवी की हाई चेयर की चेयर सेट कर रही हूँ। एक्चुअली ये जो हाई चेयर है ये दो डिफरेंट पार्ट्स में आई थी, एक टेबल एंड चेयर। सो बेसिकली इसको एज अ हाई चेयर यूज़ करते हैं, और साथ साथ में बच्चे के लिए टेबल डेस्क टेप डेस्क एंड चेयर जैसे भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, इसको अगर दोनों को सेपरेटली यूज़ करेंगे तो छोटे बच्चों के लिए डेस्क एंड चेयर का भी काम करता है, और इसी टेबल के ऊपर अगर मैं इस चेयर को फिट कर दूंगी, इसमें ऑप्शन है इसको सेट करने का, एंड देन इट कैन बी यूज्ड एज अ हाई चेयर। नॉर्मली कुछ टाइम के बाद हाई चेयर जो होती है वो यूज़लेस हो जाती है, क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं और वो उसमें नहीं बैठ के खाते हैं। सो इसीलिए मैंने ये हाई चेयर ऑर्डर करी थी। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि वंस द किड्स ग्रो और वो हाई चेयर यूज़ करना बंद करते, तो इसको मैं एज अ नॉर्मल डेस्क एंड चेयर भी यूज़ कर सकती हूँ। जो पिंक कैंडल होता है, येलो कैंडल, रेड कैंडल होता है, और आपको भी जलाऊं बोझो। आशु बर्थडे में कितने साल की होंगी? 3 इयर्स। आशु 3 इयर्स की हो जाएगी। आशु 3 इयर्स को हो जाएगी। अच्छा, कब है तुम्हारा बर्थडे आशु? 31 अक्टूबर। ठीक है। अब सबको गुड नाइट बोल दो। गुड नाइट। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। एक फुट आई दिखो। फुट